output of these programs. Again, in that case, we are providing two conditions which is merged by using logical operator OR. What is the logical behavior of OR operators? OR operators ke case mein discuss kiya tha, agar OR ke case mein first condition false hai, then only second condition test karne ki need hai. Agar suppose that kisi bhi expression ke andar agar first condition hi true hai, then second condition kabhi bhi test nahi hoga. Same property is case mein apply karein. In that case, first of all, we are declaring two variables, variable x and variable y. Memory allocation for x, memory allocation for variable y. We are declaring two variables, integer types x and y. What is the initial value of x? Initial value of x and y is 10 and 20. After that, while ke case mein third sequence kya rahega? Condition testing. कंडीशन को या एक्सप्रेशन को मैं सेपरेट प्लेस पर राइट डाउन कर रहा हूं, ऐसी प्लेस पर राइट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट वन. और के केसेस में सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की नीड नहीं होगी. जनरल सीक्वेंस क्या है इसका, x++ less than equals to 12 और y++ पोस्ट इंक्रीमेंट less than equals to 22. इस और के केस में सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होगा देन इस केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, वेरिएबल x में. अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको प्रोवाइड करें, टू द सेकंड एक्सप्रेशन. अगर सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा देन इंक्रीमेंट किस में होगा, x एज वेल एज y. इस सेकंड कंडीशन तब तक चेक करने की नीड नहीं जब तक फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होना स्टार्ट नहीं होता. फर्स्ट वन x++ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग x के प्लेस पर x का करंट वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट. नाउ वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 11. इन कंपैरिजन किसके लिए हो रहा है, 10 के लिए. 10 लेस देन इक्वल्स टू 12, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन टेस्ट करने नीड ही नहीं, डायरेक्टली ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली ट्रू. ट्रू मींस 1, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. नेक्स्ट, अगर सेकंड कंडीशन टेस्ट नहीं हुआ इसलिए वाई में कोई इंक्रीमेंट हुआ है क्या, नहीं. करंटली एक्स का वैल्यू क्या है, आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन एक्स इज 11, वाई इज 20. जस्ट कंडीशन ट्रू इंटरप्रेट हुआ इसलिए नेक्स्ट केस में चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, बॉडी ऑफ लूप. लूप के बॉडी केस में एवरी टाइम डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 11, वैल्यू ऑफ वाई इज 20. दिस द आउटपुट इन फर्स्ट केस. एवरी टाइम स्लैश एन एग्जीक्यूट इसलिए नेक्स्ट टाइम कर्सर का सेंड हो जाएगा नेक्स्ट लाइन. अगेन सेकेंड केस, फोर्थ के बाद अगेन फिफ्थ सिक्वेंस क्या है, कंडीशन टेस्टिंग. अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे विद सेम मैनर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 11. पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट, रिप्लेस क्या हुआ एक्स के प्लेस पर 11, देन इंक्रीमेंट. नाउ एक्स बिकम्स 12, लेकिन एक्स के केस में कंपेरिजन किस वैल्यू के लिए हो रहा है, 12 के लिए, 11 के लिए, 11 के लिए, क्योंकि 11 ऑलरेडी पहले रिप्लेस कराया था देन इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ, इसलिए कंपेरिजन किसके लिए हुआ, 11 के लिए. अगेन कंडीशन टू, नेक्स्ट टाइम भी कंडीशन क्या है इसका, ट्रू. देन कंडीशन टू होने केस में सिक्स्थ केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप. फर्स्ट सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज द आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इस ओनली सिंगल स्टेटमेंट वर्ड हुआ. वैल्यू ऑफ एक्स इज 12, वैल्यू ऑफ वाई इज 20. अगेन नेक्स्ट टाइम मैसेज डिस्प्ले हुआ 12 एंड 20, अकॉर्डिंग टू स्लैश एंड कंट्रोल कांस्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट केस, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन फिर से नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करें. कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स का करंट वैल्यू का 12, पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 13, लेकिन कंपेरिजन किससे हो रहा है, 12 से. 12 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन अगेन ट्रू. कंडीशन अगेन ट्रू है तो फिर से कंट्रोल कांस्टेंट करें इन साइड बॉडी ऑफ लूप, प्लस कंडीशन ट्रू होने के इसमें रिजल्ट क्या आएगा, अगेन 1. दिस इज द रिजल्ट. 1 इज रिजल्ट ऑफ ओवरऑल एक्सप्रेशंस. जब तक फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन टेस्ट करनी नीड ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक बिहेवियर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट टाइम बॉडी पार्ट जब एग्जीक्यूट हो तो अगेन डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या फंड रहा 13 एंड वाई का वैल्यू अभी भी क्या है ऑल्सो 20, तो इससे मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ 13 एंड 20. अभी तक वाई में एक भी बार इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ है. एट के बाद जस्ट नाइन्थ केस, नाइन्थ केस में अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे. कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन टेस्ट हुआ, एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एक्स का करंट वैल्यू है 13, देन एक्स में इंक्रीमेंट हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इमीडिएटली 14. 13 लेस देन इक्वल्स टू 12, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स.
और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, देन आप टेस्ट क्या करेंगे सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगेन क्या वाई प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 22, तो वाई प्लस प्लस के केस में फाउंड क्या हो रहा है अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, वाई का करंट वैल्यू 20 इसलिए सबसे पहले रिप्लेस क्या हुआ 20, देन इमीडिएटली इंक्रीमेंट इन वाई, वाई बिकम्स 21, लेकिन कंपेरिजन हुआ इस केस में 20 लेस देन इक्वल्स टू 22, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या है इसका अगेन ट्रू, देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूशंस, सीक्वेंस क्या है 9 के बाद नेक्स्ट वन 10th केस, बॉडी एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग अगेन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, करेंटली एक्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है प्लस वाई में भी इंक्रीमेंट हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या है 14, वाई का वैल्यू क्या है 21, इसलिए नेक्स्ट टाइम रिजल्ट डिस्प्ले हुआ इस केस में 14 एंड 21, कर्सर कहाँ सेंड हो जाएगा ऑन द नेक्स्ट लाइन। 10th के बाद अगेन 11th केस क्या रहेगा कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट कराएं देन सेकंड कंडीशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करें x प्लस प्लस, एक्स का करंट वैल्यू क्या है 14, पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट ऑपरेशन, 14 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो और के केस में टेस्ट करोगे सेकंड कंडीशन, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हुआ था इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है 15। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई प्लस प्लस के प्लेसेस पर पहले वाई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, वाई का वैल्यू क्या है 21, 21 इज रिप्लेस्ड हियर, 21 रिप्लेस करने जस्ट बाद जब इंक्रीमेंट कराएं वाई में तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22, लेकिन कंपेरिजन किस वैल्यू के लिए हो रहा है वाई के लिए 21 के लिए, कंडीशन अगेन ट्रू, और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका ट्रू, ट्रू मीन्स 1, देन बॉडी एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हुआ वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 15 एंड वाई के केस में क्या फाउंड हो रहा है 22, नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल सेंड करेंगे ऑन द बॉडी एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद कर्सर अगेन का सेंड ऑन द कंडीशन टेस्टिंग 13 केस, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट कराएं तो कंडीशन टेस्टिंग में एक्स प्लस प्लस के प्लेस पर मीन्स पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू 15 फाउंड हो रहा है इसलिए पहले रिप्लेस क्या हुआ 15, इमीडिएटली जब एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 लेस देन इक्वल्स टू 12, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, इस ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होना स्टार्ट हो गया लेकिन फिर भी आपको एवरी टाइम टेस्ट क्या करना होगा फर्स्ट कंडीशन, डायरेक्टली सेकंड कंडीशन टेस्ट करना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वन सेकंड कंडीशन टेस्टिंग, सेकंड कंडीशन टेस्ट करने के लिए वाई प्लस प्लस के प्लेसेस पर वाई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे विच इज 22, देन पोस्ट इंक्रीमेंट इसलिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 23, कंपेरिजन किससे हो रहा है 22 से, 22 लेस देन इक्वल्स टू 22, और के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू, इसलिए इस केस में कंट्रोल कॉन्सेंट करें अगेन इन साइड मीन्स ओवरऑल रिजल्ट क्या इसका ट्रू, ट्रू मीन्स 1। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल सेंड करें इन साइड बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू क्या है इस केस में 16, वाई का वैल्यू क्या है 23, रिजल्ट इज दैट वन। नेक्स्ट वन अगेन कर्सर कॉन्सेंट करें आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी कंडीशन टेस्टिंग वन मोर टाइम्स, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगेन सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हुआ, फर्स्ट कंडीशन में क्या है एक्स प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 12, अगेन एक्स का वैल्यू क्या है 16, पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है 17 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करें सेकेंड में पहले रिप्लेसमेंट, रिप्लेस क्या करेंगे करंट वैल्यू ऑफ वाई विच इज 23 देन इंक्रीमेंट, नाउ वैल्यू ऑफ वाई बिकम्स 24 लेस देन इक्वल्स टू 22, बोथ कंडीशंस बिकम्स फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रिप्लेस होगा 0, फॉल्स मीन्स 0, 0 देन कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, 16 केस में चांस प्रोवाइड करेंगे एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10, एक्स का वैल्यू क्या करेंटली 17, 17 प्लस 10 इज 27, वाई का वैल्यू क्या 24, 24 प्लस 10 इज 34, दिस इज ओवरऑल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।